हर एक की ना एक फेवरेट रेसिपी होती है, लाइक वो रेसिपी जो उसे लगता है उससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं बना सकता। और मेरी जो वो फेवरेट रेसिपी है ना, मेरी वो फेवरेट रेसिपी है चिकन करी। बियॉन्ड बीइंग अ शेफ, मुझे चिकन करी बनाने का ना बचपन से बड़ा शौक था। एंड इवन टुडे जब हम यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, चिकन करी मेरी ड्यूटी है। कुछ लोग कहते हैं भाई पता नहीं क्या डालता हूँ मैं चिकन करी में, किसी को रेसिपी नहीं देता, किसी ने मुझसे मांगी नहीं, मैं दूँ क्यों। आज बगैर मांगे आपको दे रहा हूँ अपनी चिकन करी की रेसिपी। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट रेसिपी। तो सबसे पहली चीज़ मेरी चिकन करी के लिए, रणवीर बरार चिकन करी के लिए, पहले ना चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दो दही में, नमक में और हरी मिर्च में। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। और बाद में इसमें डाल रहा हूँ हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, दो पीस छोटी इलायची, दो पीस लौंग, दैट्स इट। कुछ नहीं छिपाया मैं। तो चिकन करी का चिकन जो है ना, ऐसे सबसे पहले अलग करके मैरिनेट करके छोड़ दो। प्याज जो है ना वो बारीक बारीक कटना चाहिए, तभी मजा आया। जस्ट रफली क्रश्ड गार्लिक, घी, थोड़ा सा तेल। आई नो व्हाट यू थिंकिंग, थोड़ा सी तेल डाला है, टेंशन मत। खड़े मसाले में मुझे इलायची बड़ी पसंद है, चाहे बड़ी हो या छोटी। तो बड़ी इलायची, तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और दो लौंग। इसके बाद अदरक लहसुन, ऐसे खड़ा खड़ा डालना है एकदम पंजाबी स्टाइल, ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना। अभी ये लखनऊ वाला रणवीर नहीं बोल रहा है, पंजाब वाला रणवीर बोल रहा है, ठीक है ना। ये बस नटी करना है उसका, यानी कि लाइट ब्राउन, दैट्स ऑल वी नीड टू डू। ज्यादा ब्राउन नहीं करना वरना प्याज पकेगा तो फिर अदरक लहसुन जल जाएगा। अच्छा, जब प्याज लाइटली ब्राउन होने लगेगा ना, बिल्कुल स्लाइटली ब्राउन, तब मैं मसाले डालने शुरू करूँगा। और जो मेरी सीक्वेंस है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहले मैं हमेशा डालता हूँ हल्दी, और हल्दी को हल्का सा भूनता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हल्दी पक गई और रंग निखर गया। उसके बाद मैं डालता हूँ नमक। नमक क्यों, ताकि प्याज जो है वो पानी छोड़ जाए। हल्दी की खुशबू आ रही है भुनने की। जैसे ही नमक डालो वैसे ही पानी छोड़ने लग जाता है, लगने लग जाता है नीचे, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। इसके बाद मैं डालता हूँ पंजाबियों का मेन मसाला, धनिया पाउडर। और इसमें कोई कंजूसी नहीं जी, देखो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। और फिर इसको भूनता हूँ। अभी जो भून लिया भून लिया, इसके बाद मसाले को भुनने का वक्त नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक द मसालाज राइट एट द फर्स्ट को। आ हा हा हा, अब आ रही है एकदम पंजाबी घर जैसी खुशबू। इसके बाद मैं डालता हूँ लाल मिर्च। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया ना, द होल लुक, फील, अरोमा, एवरीथिंग इज चेंज। और इसको भी भुनने का हल्का सा मौका दिया। इस स्टेज पे दो चार बूंद पानी, ताकि जो मसाले हैं वो होमोजेनाइज हो जाए, बराबर से मिक्स हो जाए। जैसे ही प्याज पका वैसे ही टमाटर। अगर दही डालना है ना तो टमाटर थोड़े कम, बिकॉज काम वही है, दही और टमाटर दोनों का खटास। तो अगर दही में चिकन मैरिनेट किया हुआ तो टमाटर थोड़ा कम। एंड नाउ वी वेट। अभी करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा वैसे चिकन अंदर, ढक्कन बंद और पकने का इंतजार, एंड दैट्स इट। नाइस। एंड छोड़ना कुछ नहीं रणवीर बरार,
क्या ना, दही को भुनने का वक्त देना है, और दही को बराबर से भुनने के लिए मेरा प्रिय मित्र क्यों। जैसे ही घी ऊपर आ जाएगा ना, वैसे ये चीज क्लियर हो जाएगी, दही भुन चुका है ना। और दही भुनने के बाद सिर्फ डालना रह गया पानी, बस अभी कुछ नहीं करना जनाब, सिर्फ चिकन के पकने का इंतजार करना है। चावला वाले आता हूँ ना, चिकन करी एंड राइस। चलो जी, चावल आ गया, नाइस। यू नो फॉर मी अ गुड चिकन करी इज विच हैज एक्सेस ऑफ नथिंग, ना मिर्च ज्यादा हो, ना मसाले ज्यादा हो, ना प्याज ज्यादा हो, ना अदरक लहसुन ज्यादा हो, ज्यादा हो तो सिर्फ और सिर्फ। My best friend in the whole wide world is धनिया। तो ये जी, ये है रणवीर ब्रार स्टाइल होम स्टाइल चिकन करी। If you want to try it, actually you have to try it। पहली बार अगर कभी चिकन करी बनानी है तो यही रेसिपी बनानी है। You have to promise me this and you also have to promise me के आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। This is रणवीर ब्रार, signing off with lots of love.